हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के 10 हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही डरावने माने जाते हैं। अगर आप किसी सुनसान हाईवे पर रात में ड्राइव कर रहे हों और अचानक कोई सफेद साड़ी पहनी औरत दिख जाए या फिर अचानक किसी रास्ते से गुजरते हुए आपके शरीर में खुद ब खुद कपकपी छूटने लगे तो एक बार आप भी डर जाएंगे। लेकिन ये कोई सीरियल या फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, सच्चाई है। और ये हाईवे भी कहीं किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में ही है। इन्हें हॉन्टेड माना गया है क्योंकि इनसे जुड़े डर के किस्से काफी मशहूर हैं, जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। अगर आपने न सुने हो तो एक बार जान लीजिए ये इन हाईवे के बारे में, ताकि अगली बार जाएं तो कम से कम ये जरूर देख ले कि रात न हो। आज हम आपको देश के उन हाईवे की जानकारी दे रहे हैं जो हॉन्टेड माने जाते हैं। हालांकि ऐसी किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस पर फैसला स्वयं करें। हम इन 10 जगहों की जानकारी, चर्चाओं, किस्से और ऐसी गतिविधियों के आधार पर दे रहे हैं। नंबर 1, स्टेट हाईवे 49 ईस्ट कोस्ट रोड। यह 2 लाइन का हाईवे है जिसे नाम से ईस्ट कोस्ट रोड ECR भी जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल को तमिल से जोड़ता है। चेन्नई से पौंडीचेरी के बीच का ये रास्ता भूत की वजह से काफी डरावना है, खासकर रात में। ड्राइवरों ने बताया है कि रात में अचानक एक सफेद साड़ी पहनी औरत दिखाई देती है, जिससे उनका ध्यान चूक जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक और बात, औरत दिखने के बाद ही ड्राइवरों को महसूस होता है कि रात का तापमान अचानक गिर रहा है और रोड भी सिकुड़ रही है। कई ने यह भी बताया है कि जब सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है तो रीढ़ की हड्डी के नीचे कंप महसूस होता है। नंबर 2, कंटोनमेंट रोड, दिल्ली। इस रास्ते पर भी सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। दिल्ली के लोगों के लिए यह रास्ता पहले से ही भूतिया है। यहाँ से गुजरते वक्त उन्हें डर लगता है, ऐसा वह उन्होंने कई बार बताया भी है। ऐसा कोई नहीं जो इस रास्ते से गुजरा हो और उसे यह महिला न दिखाई दी हो। नंबर 3, रांची जमशेदपुर NH 33। यह देश का एकमात्र ऐसा हाईवे है जहां हादसे स्वाभाविक कम अस्वाभाविक रूप से ज्यादा होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस रास्ते पर भूत की वजह से ज्यादा हादसे होते हैं। इस हाईवे को पार करने में लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि इसके दोनों कोनों पर मंदिर हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में पूजा किए बिना निकलने वाले लोगों को भूत परेशान करते हैं, जिसके नतीजे हादसे होते हैं। इस हाईवे से गुजरने वाले अधिकांश ड्राइवर्स सफेद साड़ी पहनी एक लंबी औरत देखने का दावा करते हैं। नंबर 4, मार्वे मड आइलैंड रोड। मुंबई का मड आइलैंड जितना खूबसूरत है, उस तक पहुंचने का रास्ता उतना ही डरावना। यह रास्ता काफी संकरा है और सुनसान भी। ड्राइवरों ने बताया है कि उन्हें इस रास्ते पर रात में एक शादी का जोड़ा पहने महिला दिखाई देती है, जिसके साथ कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। नंबर 5, कसारा घाट मुंबई नासिक हाईवे। मुंबई नासिक हाईवे का कसारा घाट डरावना है क्योंकि यहां भूत दिखने और एहसास होने के कई किस्से सामने आ चुके हैं। कभी किसी को बिना सिर की बुजुर्ग महिला दिखती है तो किसी को पेड़ पर बैठा हुआ बुजुर्ग। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ होने से रात के वक्त यह रास्ता बेहद डरावना हो जाता है। नंबर 6, कशेदी घाट मुंबई गोवा हाईवे। यह इलाका भी काफी डरावना है। यहाँ अब सैकड़ों हादसे हुए हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ट्रक का गिरना, बस पलट जाना और लोगों की मौत होना आम हो गया है। जो लोग जिंदा बच गए या किसी तरह बचकर निकल गए, वे बताते हैं कि रात के वक्त चलती गाड़ी के सामने अचानक एक व्यक्ति आ जाता है और गाड़ी रोकने का इशारा करता है, जिससे संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है। जो ड्राइवर नहीं रुकते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। नंबर 7, NH 209 सत्यम मंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉरिडोर। इस फॉरेस्ट रिजर्व से गुजरने वालों को कभी मशहूर चंदन तस्कर वीरप्पन का डर सताता था, लेकिन अब डरावनी आवाजें, अनजान परछाइयां और डरावनी रोशनी उन्हें परेशान करती है। यहां से गुजरने वाले इस भूतिया एहसास से कांप जाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इस रास्ते पर वीरप्पन का भूत है। नंबर 8, ब्लू क्रॉस रोड। चेन्नई की इस रोड पर अचानक आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि यहां आत्महत्या करने वालों की आत्माएं घूमती हैं। अंधेरा होने पर लोगों ने अनजानी सफेद आकृति दिखने की बात बताई है, जो काफी दूर तक उनके साथ चलती है। नंबर 9, बे सेंट एवेन्यू रोड।
सुबह होने के तुरंत बाद से चेन्नई का यह रास्ता काफी भीड़ भरा होता है, लेकिन सूरज डूबने के साथ ही यहाँ डरावनी गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं। लोगों ने बताया है कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा है या किसी ने चलते चलते अचानक उन्हें दूर उठाकर फेंक दिया। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो हर रोज बढ़ रहे हैं। नंबर 10, दिल्ली जयपुर हाईवे। भांगड़ का डरावना किला आपको याद होगा, बता दें ये इसी रास्ते पर है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात के वक्त डरावने किस्से अक्सर सुनने मिलते हैं। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवरों का कहना है कि वे बता नहीं सकते कि उन्होंने असल में क्या अनुभव किया, खासकर तब जब वे भांगड़ किले के आसपास होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारी और भी आश्चर्यजनक अद्भुत एवं रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।